अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वंस अगेन जी सब दोस्तों का, भाइयों का, आपके लाइक्स और कमेंट्स का। मेन रीजन इस वीडियो को अपलोड करने की ये थी कि जितने पैसे ये लोग ले रहे हैं उन पैसों के हिसाब से ये लोग वो प्रोडक्ट नहीं दे रहे। जो गाड़ी इन्होंने यूके और यूरोप में रिलीज की है वो गाड़ी इन्होंने पाकिस्तान में जिस कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए दी थी एटलस वालों को, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम है या जिस तरह वो सोचते थे पाकिस्तान के मुताबिक, इसी तरह उन लोगों ने इस गाड़ी को पाकिस्तान की अवाम के लिए, कि उनको पता है कि उन्होंने हर कीमत पे चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने गाड़ी जो है वो बाय करनी ही करनी है। सो लेट मी कट द लॉन्ग बिजनेस शॉर्ट एंड आई विल कम टू द पॉइंट। गाड़ी की आउटर लुक बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी इसका जो है वो एक्सट्रीमली एक्सीलेंट है, मगर इन टर्म्स ऑफ आप अगर कहें कि गाड़ी की इंटरनल क्वालिटी चीज़ों के लिहाज से तो वो बहुत ही इन्होंने ऑर्डिनरी सुजुकी के लेवल की कह लें या इससे भी नीचे लेवल की दी है, मगर इस तरह आपको नहीं लगता कि वाकई ही जो है ये होंडा है। सो इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर आप गाड़ी के जॉइंट्स चेक करें, ये मैंने गाड़ी वापस ले जाकर उनसे जॉइंट जो है वो ठीक करवाए हैं। जहां पर आप गाड़ी का ये गैप चेक कर रहे हैं और ये गैप चेक कर रहे हैं, ये गैप्स आपस में मैच नहीं करते दोनों साइडों के दरवाजों के साथ। और ये उन्होंने मेरे जाने के बाद ये जो पैनल नीचे इन्होंने ये वाला पैनल लगाया है, ये पैनल इन्होंने दोबारा एक्सटेंड किया है और इस पैनल को इन्होंने दोबारा से रीएडजस्ट करके, क्योंकि जब आप दरवाजा खोलते हैं तो ये दरवाजा इसके साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद अगर आप गाड़ी के बूट को बूट खोलें जी, अगर आप गाड़ी का बूट खोलें उठाएं जी, अगर आप इसको अगर देख सकें तमाम दोस्त, तो गाड़ी के अंदर इस किस्म की सारी कोटिंग हुई हुई है और मुझे 100% इस चीज का, अगर आप गौर से देख सकें तो पूरी गाड़ी के अंदर दोनों साइडों पे आपको ये कोटिंग इसी तरह हुई हुई नजर आएगी। और इवन जो नीचे रखें इसको, इसको उठाएं, इसको भी उठाएं, जो इन्होंने ये जो इन्होंने पैडिंग दी है ये बिल्कुल मूव कर रही है ऐसे जैसे, मतलब मतलब क्वालिटी जो मैट्स जो ये जो इन्होंने ये वाला मैट्स का पैनल दिया है ये बिल्कुल ही बुरी हालत है। बहुत से लोगों ने बैक डिगी के ऊपर इन्होंने कोई ब्रैकेट या कोई ऐसी चीज नहीं दी, वायर्स बिल्कुल जो है वो आपके सामने है, ऐसे ही इन्होंने वायर्स को छोड़ दिया है। जो गाड़ी की फिनिशिंग है, बॉडी फिनिशिंग जो इन्होंने वहां से जो की है वो बहुत ही बुरे की है। बैक पे तो इतनी बुरी नहीं है जितनी इन्होंने फ्रंट पे बॉडी की है। बोनट खोलेंगे मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो इन्होंने फ्रंट पे काम किया है वो जरा आप लोग नोटिस करें कि ये गाड़ी का फ्रंट है, इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें, मैं पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये गाड़ी की ऊपर इन्होंने पुटीन का लेवल किया है। अगर आप ये सील्स चेक करें गाड़ी की तो ये देखें, इस ये गाड़ी की सीलिंग होती है और इसको इन्होंने किस तरीके से, आप इसकी साइड चेक करें, यहाँ पर एक ये स्टॉपर लगा हुआ है और ये जॉइंट आप आपके सामने है, ये जॉइंट आप चेक करें कि ये जॉइंट किस किस्म का जॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर स्टॉपर भी मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका जो बोनट है वो आउट ऑफ लाइन हो जाता है। और ये आप अगर गौर से इसको देखें तो ये आपको नजर आएगा। कुछ दोस्तों ने पूछा मुझसे कि ये तमाम गाड़ियों में इसी तरह है, मैं होंडा की डीलरशिप में गया हूं, हर गाड़ी में डिफरेंट किस्म के फॉल्ट हैं, किसी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी का कुछ और है,
जो मैंने असेंबलिंग और जो इनकी ये जो इन्होंने सीलिंग की है ये तकरीबन तमाम गाड़ियों में एक जैसे हैं। बैक बूट पे जो प्रॉब्लम है वो एक है, मैं आपको ज्यादा दिखा नहीं सकता, मगर ये आप अंदर देखें तो ये पुटीन इस तरह लगाई गई है जिस तरह हाथों से पुटीन लगाई जाती है। अब जो कवर इन्होंने लगाया है वो गाड़ी जब 120 से ऊपर होती है तो ये कवर इसका आपके सामने है। ये प्लास्टिक का एक मतलब एक चादर है जो सही तरीके से प्लग्ड इन भी नहीं है प्रॉपरली। इसके अलावा दरवाजा खोलें, इसके अलावा अगर आप गाड़ी के अंदर की बात करें तो गाड़ी के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत क्वालिटी है। जो इसका साउंड सिस्टम है उसके साथ बहुत से लोगों ने कंप्लेन की और मेरी भी ये प्रॉब्लम है। नेविगेशन बहुत अच्छा है मगर कट आउट हो जाता है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है मगर जब आप इसके साथ कॉल कनेक्ट करते हैं तो आपकी कॉल और फोन कनेक्ट होने में खासा ये टाइम लेता है। और सबसे जो इसका वर्स्ट पार्ट है वो इसका रूफ है जो बिल्कुल गत्ते की तरह बनाया गया है। ये जो रूफ पैनल है ये इस तरह पेपर की तरह स्लाइड इन करता है। जब आपकी गाड़ी 130-120 पे जा रही होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बैक स्लाइड करने लग पड़ता है। जो मैट्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए वो अलग पैकेज आपको देना पड़ता है, मगर इंटरनल जो है वो इतना एच सच बैड नहीं है एज कम्पेयर टू आउटर लुक के हिसाब से। और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से जो दरवाजों की सीलिंग की गई है उनमें जो है वो काफी ज्यादा एरर्स हैं। जो पैनल्स इन्होंने कनेक्ट किए हैं उसके साथ काफी प्रॉब्लम्स हैं। सो वंस अगेन बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का और लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और इस कॉज को स्प्रेड किया। मेरा जो मकसद था वो ये था कि इस चीज को हाईलाइट किया जाए कि हम लोगों को जो चीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूरोप और इंग्लैंड के एन मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्राइस भी उतनी ही रखी है जितनी आप यूरोप को और इंग्लैंड में और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गाड़ी को दे रहे हैं। सो आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आप हमें गाड़ी भी वही ना प्रोवाइड करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आई डू होप यू विल स्प्रेड दिस एंड एटलीस्ट वी कैन गेट टू समबॉडी जो इसके ऊपर जो है वो कुछ देख सके या कुछ कर सके। थैंक यू।